फैब्रिक पे। तो इस तरीके से काटने से क्या होता है, अलग से आपको पेपर काटने का कोई भी जरूरी नहीं होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इजीली आपका यह तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, टोटल मैंने जो फैब्रिक लिया यहाँ पे 93 सेंटीमीटर फैब्रिक है, एक ब्लाउज पीस है, तो जितना था मैंने उतना ही पूरा यहाँ पे ले लिया। तो अभी पहले हमें बैक पार्ट काटना है, तो बैक पार्ट के लिए देखिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को टू फोल्ड किया, यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से जॉइंट साइड है। तो ब्लाउज का लंबाई लेना है, तो ये जो ब्लाउज है इसका साइज होगा 36 इंच। 36 और 38 दोनों लगभग सेम होता है। एक ही वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको अलग अलग मेजरमेंट के लिए किस तरीके से काटना है, तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे स्किप नहीं करना। तो ब्लाउज है इसका मेजरमेंट आप साइड पे देख सकते हो। तो लंबाई देखिए मैंने यहाँ पे 16 इंच लिया। पहले इसको सीधा बराबर मिला लेना है यहाँ पे देखिए। और एक बार अगर आपकी हाइट बहुत ही कम है उस टाइम पे आप 15 इंच लीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे 16 लेना है। अगर आपको रेडीमेड तैयार करना है उस टाइम पे भी आपको यहाँ पे 16 लेना है। अभी शोल्डर लेना है, तो डीप नेक पे होगा उसी हिसाब से यहाँ पे 5½ इस पे आपको शोल्डर देना है। आर्महोल देखिए यहाँ पे मैं 1¼ इंच रखूंगी। यहाँ पे देखिए रेडीमेड के लिए आपको 6 इंच लेना है। अगर आर्महोल बहुत ज्यादा है उस टाइम पे 6 लेना है, अगर आर्महोल कम होता है उस टाइम पे 1¼ इंच लेना है। अगर आपको आर्महोल का मेजरमेंट किस तरीके से लेना है समझ में नहीं आता है, जिसके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ से 1¼ इंच लेना है। अब इसको सीधा मिलाना है, यहाँ से भी 5½ इंच रखूंगी। ये जो निशान है सीधा रखने के लिए मैंने यहाँ से 5½ इंच लिया। यहाँ से छाती का चौथा हिस्सा लेना है, 36 का चौथा हिस्सा 9 लेना है। तो अगर आपकी 38 है उसी हिसाब से उसका चौथा भाग लेना है। इसके साथ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए निशाना देना है, तो 1 इंच से मैं 2 सूच ज्यादा रखूंगी। तो आर्म होल का यहाँ पे हो गया है। टोटल यहाँ पे जितना छाती है उससे मैं 1/2 इंच कम रखूंगी यहाँ पे कमर के लिए। इस तरीके से लेने से क्या होता है, अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं होता है। कमर पे टक्स के लिए निशाना लगा लेना है। यहाँ पे आप 5 इंच पे भी दे सकते हो, 5½ इंच से भी दे सकते हो। तो मैं 5 इंच पे रखूंगी और ऊपर की तरफ 6 इंच उठाऊंगी। तो ये भी हो गया है। और एक बात, यहाँ पे मैंने सीधे साइड पे निशाना दिया, क्योंकि देखिए जो डिजाइन है, डिजाइन के लिए अंदर की तरफ निशाना दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण मैंने बाहर की तरफ लिया। नेक का चौड़ाई में 2 इंच रखूंगी। अगर आप बैक साइड में डोरी रखना चाहते हैं उस टाइम पे 2.5 इंच लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 10½ इंच, इस साइड पे 3 इंच। नेक का गोलाई हो गया है। इस तरफ लगभग 1 सूत या 1.5 सूत आपको ऐसे डाउन करके देना है, तब शोल्डर गिरने का संभावना बहुत ही कम रहता है। तो बैक साइड पे मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है। बैक पार्ट काटिंग करने के बाद आपको हमेशा स्लीव्स काटना है, तो स्लीव्स के लिए आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 8½ इंच मिल गया है, तो जितना मिला है उससे 1 इंच ज्यादा लेना है। तो 9½ इंच में स्लीव्स का चौड़ाई रखूंगी। स्लीव्स के लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड किया, ओपन साइड, यहाँ पर ज्वाइंट साइड है। तो जिस साइड पर ज्वाइन है उस साइड पर आपको स्लीव्स का लंबाई लेना है। तो 7½ इंच स्लीव्स का लंबाई रखूंगी। इसको पहले बराबर मिला लेना है। अब अपने हिसाब से स्लीव्स का लंबाई लीजिएगा। यहां से स्लीव्स का चौड़ाई लेना है। 8½ इंच हमें मिला था, लेकिन 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो 9½ इंच पे यहाँ पे स्लीव्स का चौड़ाई लेना है। इतना तक चाहिए। तो अभी देखिए यहां से कितना डाउन करना है, लगभग 4 इंच से 2 सूत ज्यादा लेने से हो जाएगा। आप चाहो तो 4½ भी ले सकते हो। इसको तिरछा करके मिलाना है। अब यहां से हमें 2.5 इंच अंदर की तरफ लेना है। अभी यहां पे शेप देना है।
मोरी के लिए अभी कुछ भी नहीं करना है, जैसे है बिल्कुल वैसे हल्का तिरछा करके रख देना है। स्लीव्स कटिंग करने के बाद फ्रंट की तरफ आपको जरूर शेप लगा देना है आर्महोल के लिए। शेप देने के बाद यहाँ पे हल्का काट लगा के रख दीजिएगा, बाद में सिलाई करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कौन सा साइड आपका फ्रंट की तरफ रहेगा? फ्रंट के लिए मैंने फैब्रिक को टू फोल्ड किया। अभी जो बैक पार्ट काट किया था इसको इस तरीके से रखना है। मैं हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, पहले बैक पार्ट के हिसाब से बराबर निशाना लगा लेना है। अब इसको हटा लेना है। यहां तक देखिए बैक पार्ट है। बैक पार्ट से हमें 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। जब भी आप डायरेक्ट फैब्रिक पे ब्राकर ब्लाउज कटिंग करते हो, हमेशा आपको सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी इसको सीधा कर लेना है। पहले जो निशाना दिया था ये हमें नहीं चाहिए, अभी इसके हिसाब से हमें काटना है। पहले फ्रंट नेक डीप लेना है, 7.5 इंच रखूंगी। अगर बहुत ही छोटा नेक चाहिए तो 7 इंच लीजिएगा। यहां तक हो गया है। अभी नेक का चौड़ाई लेना है, 2.5 इंच आपको यहाँ पे रख देना है। अभी यहाँ पे शेप देना है, इस तरीके से रख दीजिएगा। तो अगर आपको फ्रंट साइड पे बिल्कुल राउंड चाहिए, उस टाइम पे इसको और भी नीचे की तरफ लेके आना होगा। तब इस तरीके से देना है। अगर ज्यादा राउंड नहीं चाहिए तो पहले वाला देना है, अगर पूरा राउंड चाहिए तो नीचे वाला देना है। अभी हमें कॉटरी के लिए बास्ट पॉइंट निकाल लेना है। शोल्डर से हमें 6 इंच पे पहले एक निशाना देना है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से 5.25 इंच पे और एक निशाना लगा लेना है। अगर किसी के हाइट 5 फुट 5 इंच या 6 इंच है, उस टाइम पे आप 6 इंच लीजिएगा। यहाँ से हमें कटोरी के लिए लेना है। अभी देखिए कटोरी के लिए यहाँ से आप चाहो तो 8.5 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, या थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच रखूंगी। अभी इसको सीधा कर लेना है, इसको ऊपर की तरफ उठाना है 1 इंच से 3 सूत। शेप आका ज्यादा ऊपर हुआ नहीं चाहिए तो 1 इंच लेने के बाद 2 सूत लीजिएगा। सेम इस सेट भी लेना है। तो जितना टोटल मैंने कॉटरी के लिए लिया इसको हमें हाफ कर लेना है, इस तरीके से। कोई भी साइज का हो आपको ऐसे ही लेना है। और 38 साइज के लिए आप कॉटरी का मेजरमेंट 9 इंच या 9.5 इंच ले सकते हो। यहाँ पे हल्का सा गुलाई देना है, इस तरीके से। अभी इसको इसके साथ मिलाना है। यहां से आप चाहो तो 5 इंच 5.5 इंच या 6 इंच कहीं से भी आप ये ले सकते हो। तो मैं 5.5 इंच से रखूंगी। यहाँ पे हो गया है। अभी इसको इसके साथ मिलाना है, और मिलाने के लिए इस तरफ आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाना है, लगभग 3 सूत। इस तरीके से मिला देना है। तो थोड़ा बाहर की तरफ क्यों लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं ये जो ब्लाउज है डायरेक्ट फेब्रिक पे काटिंग करती हूँ और उरेप नहीं करती हूँ, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा बाहर की तरफ ले जाने से पहनने के बाद यहाँ पे खिंचाव नहीं होता है। अभी कटोरी का दूसरा पार्ट, नीचे का पार्ट, यहाँ पे 4.5 इंच रखूंगी। इस तरफ 1/2 इंच, कोई भी साइज का हो, इस तरफ 1/2 इंच राउंड करना है, और इस तरफ जितना ऊपर की तरफ होगा सेम नीचे की तरफ लेके आना है। यहां से 0.5 इंच, अभी यहाँ पे कितना दे रहा है, ये जो साइड का पार्ट, इसका लंबाई कितना लेना है, जितना टोटल इसका साइज है यहाँ पे इसको पहले मिडल कर लो। फिर यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ और एक निशाना देना है, इसको तिरछा करके ऐसे देना है। ध्यान में रखना है ऐसे सीधा नहीं आना है, हमेशा इसको तिरछा कर देना है। उसके बाद भी लगभग इतना फेब्रिक एक्स्ट्रा होता है, बाद में काटिंग कर लेना। तो यहाँ तक हो गया है। अभी नीचे का बेल्ट रह गया है। तो बेल्ट के लिए देखिए,
यहाँ पर जो बैक पार्ट है इसका चौड़ाई के हिसाब से लेना है। यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा शेप दे दो इस तरीके से। देने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो 4.5 ले सकते हो, या 4 इंच भी ले सकते हो, या 5 इंच भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे हो गया है। अब इस पे देखिए लगभग 5 इंच है, और इस साइड पे 5.5 इंच है, 5.5 इंच पे थोड़ा सा ज्यादा है, तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है। देखिए बेल्ट के लिए उतना मेजरमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको हल्का सा ऐसे शेप देना है तब हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा शेप देना है इस तरीके से, क्योंकि इस सेट पे कमर होगा जिसके कारण थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। तो यहाँ पे पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है, अभी हमें कट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना इजी तरीके से डायरेक्ट फैब्रिक पे ब्लैकर ब्लाउज कटिंग हो गया है। कोई भी पेपर काटने का जरूरी नहीं है, बिना झंझट से आप इजीली ये ब्लैकर ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से डायरेक्ट फैब्रिक पे ब्लैकर ब्लाउज कटिंग करना है। और नेक्स्ट वीडियो में इसका सिला दिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।